friends, this is our first pit stop. You see two gentlemen here. One of this in the blue t-shirt is the gentleman who is a friend of mine from school. He is Rohit Nanda. We will now go and see how Dahi Bada Aludam from Odisha is made. It is a one of the speciality which we see here. In a minute's time, you see my doctor friend Viswamohan Mahapadi, who is walking in from behind. He is also going to be participating in this video. Ka naam Viswanath Sahu hai. Kitne saalon se aap ye business kar rahe hain? 5 saal. क्या है जो आप बनाते हैं जो सबको पसंद आता है? ये क्या चीज है? दही बड़ा आलू दम। दही बड़ा आलू दम क्या करते हैं? कितना बड़ा डालते हैं इसपे? पांच। और ये कैसे बनता है बड़ा? बीड़ी डाल सूजी मैदा। फिर कितना टाइम लगता है बनाने में? हम तो रात 3 से उठते। रात बज के 3 से? अच्छा, 3 बजे से उठ के आप इसको बनाते हैं, फिर उसके बाद पकाते हैं। पकाने के बाद कब डालते हैं दही के अंदर? सुबह पाँच बजे डाल देते हैं इसको। ये डब्बे में कितना दही बड़ा, कितना किलो बड़ा बनता है इस डब्बे में? बड़ा वाला 2 किलो। वेरी गुड। उसके बाद उस दूसरे वाले डब्बे में क्या है आपके पास? आलू दम। आलू दम बनाने के लिए कितना टाइम लगता है? आलू दम 1 घंटा लगता है। 1 घंटा लगता है। उसमें क्या क्या डालता है? सब मसाला मसली। बताइए क्या मसाला मसली डालते हैं? जीरा, धनिया और अदा, रसुन, प्याज, अदरक, लहसुन, प्याज और लंका, मिर्ची, हल्दी और गरम मसाला। और बस उतना काफ़ी है। और फिर आपका हाथ का स्पेशल का टेस्ट, जिससे ये टेस्ट और बढ़िया बन जाता है, वो आपका प्यार होता है इस खाने के अंदर, करेक्ट? बिल्कुल। फिर आप क्या करते हैं उसके बाद? इसके अंदर क्या है? ये 5 बड़ा डाला आपने, फिर क्या करते हैं इसके साथ? उसके बाद चना दे रहा हूँ। अच्छा, हाँ, ये क्या है? नमक डाला आपने, डालिए, ब्लैक सॉल्ट डालिए। वेरी गुड। उसके बाद चना आपने ये अलग से बना के लेके आए हैं। वेरी गुड। ये इसी से टेस्ट बनता है बढ़िया वाला। ओके, वेरी गुड। ये क्या है? आलू दम जो अभी हमने मेन्यू में बताया था, आलू जैसे बनाते हैं। ये आपको 1 घंटा लगता बनाने के लिए, आपने इसमें ऐड कर दिया है बढ़िया तरीके से, एकदम दिल खोल के डाल रहे हैं, देखिए। और उसके साथ ग्रेवी का क्वालिटी देखिए, थिकनेस देखिए। ये हमारे डॉक्टर दोस्त है, ये प्रेस्क्राइब भी करते हैं, हम खा सकते हैं ये। ये माय फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड विश्वमोहन पाड़ी, से हेलो टू द कैमरा। हाय 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 हाय। नाउ उन्होंने फिर उसके बाद क्या डाला है? सेव मतलब भुजिया। हमारे यहाँ पर उड़ीसा में सेव बोलते हैं, इसको भुजिया बोला जाता है हिंदी में। ये क्या है? हरा मिर्ची। ये हरा मिर्ची का, हरा मिर्ची पुदीना दोनों का मिक्सचर का लिक्विड एसिड है, ठीक है। वेरी गुड। क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालते हैं। दही। अरे वेरी गुड, दही डाला। अभी कल रोहित के घर पे दही के लिए बहुत बड़ा सवाल जवाब चल रहा था, हमें याद आ गया। कांदा, ये प्याज है, कांदा बोलते हैं ये। वेरी गुड, कांदा डाल दिया उन्होंने। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब इसके बाद मूंगफली। हम यहाँ पर साउथ में ना बादाम बोलते हैं, मगर ये बादाम होता नहीं है, दिस इज पीनट्स। एंड देन ही इज अगेन पुटिंग सम मसाला। ये मसाले में क्या क्या है? ये जीरा है, भाजी की। जीरा को ये भूनते हैं, भूनने के बाद उसको मिक्सचर ग्राइंडर में मिक्स करते हैं, उसको पाउडर बना के इस पर डालते हैं ताकि टेस्ट अच्छा हो जाए। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब ये चम्मच, एंड देन वी आर ऑल सेट। आपका शुभ नाम फिर से बताइए ताकि हम आपको फेमस कर दें। विश्वनाथ साहू। हमें कोटी ओचू एटी जागाना कौन तू तद्दी मच्छा गाड़िया दद्दी मच्छा गाड़िया में हम आज बहुत बढ़िया और ये वेरी गुड स्टॉल पे दही बड़ा आलू दम खा रहे हैं, एंड माय फ्रेंड्स आर एंजॉयिंग इट। साहू जी, थैंक यू सो मच, आपने दही बड़ा आलू दम तो बना दिया। अब दही बड़ा आलू दम खाने वाले के 2 प्रार्थी हैं यहाँ पर। एक प्रार्थी मेरे दोस्त रोहित नंदा काले चश्मे पे, और दूसरे प्रार्थी मेरे विश्वमोहन पाड़ी। बताइए रोहित जी, कैसे लगा आपको ये? अरे सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा था। मतलब विश्वनाथ जी ने इतना बढ़िया दही बड़ा आलू दम बनाया था, पूरी यादें ताज़ा हो गई। बहुत अच्छा बना था। क्या है, क्या अच्छा लगा आपको इसमें? इसमें जो मिश्रण था आलू का और उसमें जो दही बड़ा था, जो मसाले थे, दिस इज टिपिकल ऑफ दिस प्लेस एंड यूनिट। यू लव इट, यू लव इट, ऑसम, वेरी गुड। विश्वमन जी, आपको क्या अच्छा लगा इसमें? बहुत ही अच्छा है, बहुत ही तीखा है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही चटपटा है। और लगता है कि अब इसके बाद चुरा के खा रहे हैं। आधा तो रोहित जी ने, मेरा आधा प्लेट तो रोहित जी खत्म कर चुके हैं। आपको लगता है इसके बाद अब लंच कर सकते हैं चिल्का लेक पे?
और इतना तीखा है तो भूख तो बढ़ती है तो, और विश्वनाथ जी ने इतना अच्छा बनाया है, मेरा नाम के करीबी है। आप दोनों विश्व है, आप दोनों वर्ल्ड है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द फीडबैक। रोहित जी अभी इतना एक्साइटेड हो गया, अभी वो थोड़े से डगमगाहट में चले गए थे। और प्रीतिमान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा ब्लॉग बनाया और बहुत ही एक आपने ऊंधा इनिशिएटिव लिया है और आपको ढेर सारी बधाई और ऑल द बेस्ट टू यू। आपका दुकान का नाम क्या है? ये राधा कृष्णा। हम आपको फेमस करेंगे इस बार, राधा कृष्णा जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू।